नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंडन शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ कनेक्ट का पेड वर्जन के बारे में। जब से इकोसिस्टम में कल 18 अगस्त को ओ कनेक्ट पर किया जाने वाला वेबिनार का नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है, उसके बाद से कई लोगों ने कमेंट में यह लिखना शुरू कर दिया है कि 18 अगस्त को जो वेबिनार किया जाएगा वह वेबिनार पेड वर्जन के ऊपर होगा या फिर फ्री वर्जन के ऊपर होगा। वहीं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने ओ ट्रैकर का ट्रैकिंग कोड अपने वेबसाइट में लगाया है और उस वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस यदि ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसे मैं इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं ओ कनेक्ट के पेड वर्जन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ कनेक्ट का पेड वर्जन जब लॉन्च किया जाएगा तो उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के बाद यूजर ओ कनेक्ट के सभी फीचर को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। ओ कनेक्ट का पेड वर्जन का सभी फीचर यूजर 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं 3 महीने के बाद ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को 3 भागों में बांटा जाएगा, यानी 3 तरह का सब्सक्रिप्शन पैकेज बनाया जाएगा, जिसमें एक नॉर्मल रहेगा, दूसरा मीडियम रहेगा और तीसरा हाई रहेगा। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पैकेज में यूजर ओ कनेक्ट के कुछ ही फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं मीडियम सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के बाद यूजर ओ कनेक्ट के नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पैकेज से कुछ ज़्यादा फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं ओ कनेक्ट का हाई सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के बाद यूजर ओ कनेक्ट के सभी फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे, यूजर ओ कनेक्ट के सभी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं नॉर्मल, मीडियम और हाई सब्सक्रिप्शन पैकेज का प्राइस भी अलग अलग रहने वाला है और यह सब 3 महीने के बाद किया जाएगा, क्योंकि 3 महीने में यूजर को यह पता चल जाएगा कि वे ओ कनेक्ट पर लाइव वेबिनार के दौरान ओ कनेक्ट के कौन कौन से फीचर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वे अपने ज़रूरत के अनुसार ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन पैकेज का चयन कर सकते हैं। जब से इकोसिस्टम में कल 18 अगस्त को ओ कनेक्ट पर किया जाने वाला वेबिनार का नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है, उसके बाद से कई लोगों ने कमेंट में यह लिखना शुरू कर दिया है कि 18 अगस्त को जो वेबिनार किया जाएगा वह वेबिनार पेड वर्जन के ऊपर होगा या फिर फ्री वर्जन के ऊपर होगा। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दिया गया है। हालांकि ऑनपैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे ने पहले ही कहा था कि अगला जो ओ कनेक्ट पर वेबिनार किया जाएगा वह ओ कनेक्ट के पेड वर्जन पर ही किया जाएगा, जिसे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 18 अगस्त को किया जाने वाला वेबिनार ओ कनेक्ट पर भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि यदि 18 अगस्त को ओ कनेक्ट के पेड वर्जन पर वेबिनार किया जाएगा तो इसकी जानकारी इकोसिस्टम के पॉपअप नोटिफिकेशन में ज़रूर दिया जाता, और कहीं ना कहीं यह बात पूरी तरह से सच है कि यदि ऐसा कुछ होता तो इसके बारे में जानकारी इकोसिस्टम के पॉपअप नोटिफिकेशन में ज़रूर दिया जाता। वहीं इसके बारे में आपको क्या लगता है, अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।